टीचिंग टूल्स की जब भी बात हो तो आम तौर के ऊपर उनको रेफ़र किया जाता है ऑडियो विजुअल एड्स से तो जहाँ पे भी और ऑडियो विजुअल एड्स की बात हो तो उसका मतलब लिया जाता है कि दे आर टीचिंग टूल्स तो आज हम देखेंगे कि क्या सिर्फ ऑडियो विजुअल एड्स ही टीचिंग टूल्स होती हैं या टीचिंग टूल्स जो हैं दे आर मोर देन ऑडियो विजुअल एड्स सो so, आज के हमारे लेसन के अंदर जो हमारा मेन फोकस होगा वो टूल्स के ऊपर ही है और हम उसमें डिफरेंट टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे विच इंक्लूड टेक्स्ट बुक्स सप्लीमेंट्री रीडर्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऑडियो टेप्स वीडियो रिकॉर्डिंग्स सिमिलरली विजुअल चार्ट्स एंड अदर थिंग्स सो वी आर गोइंग टू सी हाउ आर दे डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स तो स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन ऑफ टूल्स आपके ज़ेहन में क्या आता है कि टूल्स क्या होते हैं टूल बॉक्स क्या होता है एक टेलर का टूल बॉक्स क्या होगा ऑब्वियसली उसके अंदर सीजर्स होंगी उसके अंदर मे बी थ्रेड हो छोटी सी फिरकी होगी इसी तरीके से छोटा सा स्क्रू ड्राइवर होगा ये सारे टूल्स हैं उसके अगर आप एग्जांपल ले लें गाड़ी के उसका एक साथ टूल बॉक्स होता है उसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं एक आ, कोई सा भी अगर आप ऑफिस uh, वर्क के अंदर देखें तो टूल्स होंगे स्टेपलर होगा पंचिंग मशीन होगी फुट रूलर होगा सीजर्स होंगी दे आर ऑल टूल्स सो टीचिंग टूल्स क्या होते हैं टूल्स का पर्पस क्या होता है टू गेट थिंग्स डन ईज़ीली स्विफ्टली एंड क्विकली तो टीचिंग टूल्स की जब हम बात करें तो हमारी मुराद उन चीज़ों से है विच हेल्प द टीचर

एक ऐसा टूल है जो कि हर क्लास में मौजूद होता है और टीचर के पास भी होता है द नेम ऑफ दैट टूल इज टेक्स्ट बुक अब जो टेक्स्ट बुक है वो कौन सा पर्पस सर्व कर सकती है सो इट इज़ अ टूल व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्स्ट एंड पिक्चर्स इट इज़ अ टूल व्हिच मे इंक्लूड क्वेश्चन फॉर थिंकिंग जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई होती है सो इन्फॉर्मेशन इज गिवन थ्रू टेक्स्ट एंड पिक्चर्स दूसरी बात आ जाती है कि क्या हमारे यहाँ जो टेक्सट बुक, हैं वो क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड हैं थिंकिंग के लिए या नहीं इंक्लूडेड बिल्कुल हैं हमारी बहुत अच्छी टेक्सट बुक्स भी हैं कुछ जिसमें देर आर मैनी क्वेश्चन फॉर थिंकिंग लेकिन मेजोरिटी uh, हमारी टेक्स बुक्स की है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है लेकिन उसमें थिंकिंग क्वेश्चंस नहीं हैं सो टीचर के लिए वो एज इंफॉर्मेशन टूल सर्व कर रहा है बच्चों के लिए भी इंफॉर्मेशन टूल uh, है लेकिन उसके अंदर जो मिसिंग एलिमेंट है दैट इज़ थिंकिंग क्वेश्चन सो इफ अ टीचर इज़ गेटिंग इनफ इन्फॉर्मेशन देन टीचर मे कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन एट हर और हिज ओन तो इंफॉर्मेशन है आपके पास तो so टीचर जो है उसको मजीद एक्सपेंड कर सकता है और उसके ऊपर क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर सकता है एक और टूल है सम टीचर्स यूज वेरी फ्रिक्वेंटली एंड दैट टूल इज सप्लीमेंट्री रीडर्स आपके जहन में क्या आता है कि सप्लीमेंट्री रीडर्स क्या होंगे टेक्स्ट बुक तो है सप्लीमेंट्री रीडर्स किसको कहते हैं सप्लीमेंट्री रीडर्स जो के आपकी टेक्स्ट बुक्स के नॉलेज को सप्लीमेंट करें आम तौर के ऊपर बच्चे जो हैं घरों में अगर टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो पेरेंट्स यूजुअली डिस्करेज दैम अगर बच्चे ट्यूशन सेंटर्स जा रहे हैं तो वहाँ के भी जो ट्यूटर्स होते हैं दे डिसेज दैम टू रीड एनी अपार्ट फ्राम टेक्स्ट बुक हालांकि सप्लीमेंट्री रीडर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग इसके क्या फ़ायदे हैं सप्लीमेंट्री रीडर के दे एक्सटेंड ऑलरेडी लर्नड नॉलेज दे एक्सटेंड वोकेबलरी दे एक्सटेंड इमेजिनेशन दे एक्सटेंड एंड डिवेलप हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड दे मेक चिल्ड्रन ऑटोनमस लर्नर्स तो अगर हम देखें टेक्स्ट बुक के हमें दो फायदे थे यूजली कि दे डिप दे गिव इंफॉर्मेशन They are information tool. Secondly, they have some thinking questions. लेकिन इसकी extension जो है वो हमें supplementary readers में नजर आएगी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साइंस की एक किताब है उसके अंदर वाटर साइकिल की information दी गई है तो वाटर साइकिल के ऊपर जो सप्लीमेंट्री रीडर होगा वो बहुत एक्सटेंसिव information उसके अंदर होगी आपकी वाटर साइकिल की इंफॉर्मेशन में भी एक पेज के ऊपर आपकी किताब में सप्लीमेंट्री रीडर कुड बी ऑन एंड वाटर साइकिल तो पूरी की पूरी किताब में भी 16 सफों की किताब जो है इट इज़ डेडिकेटेड टू वन कॉन्सेप्ट दैट इज वाटर साइकिल सो उससे यह है कि वो बच्चा जो जिसने टेक्स्ट बुक पढ़ी विद द हेल्प ऑफ द टीचर वो बच्चा अपनी इन्फॉर्मेशन को भी एक्सटेंड करेगा थिंकिंग स्किल्स को भी डिवेलप करेगा लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड भी करती हैं कि आपकी सप्लीमेंट्री uh, रीडर की क्वालिटी क्या है सो गुड क्वालिटी सप्लीमेंट्री रीडर्स एक्चुअली हेल्प डिवेलपिंग स्टूडेंट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो बच्चों को इंडिपेंडेंट लर्नर्स भी बनाते हैं तो हमें ये भी देखना है कि ये सप्लीमेंट्री uh, रीडर्स का मकसद टाइम ज़ाया करना नहीं होता दे आर वेरी गुड रिसोर्स दे आर गुड लर्निंग टूल इसी तरीके से अगर हम अंग्रेजी की बात करें या उर्दू की बात करें तो बच्चे जो है ना टेक्स्ट बुक के अंदर से जो मटेरियल होता है उसको पढ़ लेंगे मे बी दे डू नॉट इन्जॉय दैट मटेरियल वेरी मच लेकिन जो उनकी मर्जी की किताबें होंगी जिसको हम आम जबान में कहानियों की किताबें या रिसाले कहते हैं एक्चुअली दे सर्व वेरी गुड पर्पज़ वो पर्पज़ कौन सा है बच्चों की रीडिंग स्किल इन्हेंसमेंट का पर्पस है सो वी नीड टू यूज़ ऑल दीज थिंग्स टू डिवेलप आवर स्टूडेंट्स थिंकिंग टू मेक दैम ऑटोनमस लर्नर तो हम इनको अगर ये कहें कि दे आर सप्लीमेंट्री रीडर्स तो ये ज़्यादा बेहतर लफ्स हैं इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दैम कि ये बच्चे टाइम ज़ाया करते हैं अच्छे सप्लीमेंट्री रीडर्स टाइम ज़ाया नहीं करते बल्कि बच्चों की लर्निंग को सप्लीमेंट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कि हम यूज़ uh, करते हैं वेरी ऑफन दे आर पावर पॉइंट वर्ड एक्सेल, इंटरनेट और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं दे कैन ऑल्सो सर्व एज अ लर्निंग टूल कैसे लर्निंग टूल सर्व कर सकते हैं या टीचिंग टूल के तौर पे कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं लर्निंग टूल में अगर बच्चे जाके इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ढूंढ रहे हैं सर्च आउट कर रहे हैं उसको फिल्टर कर रहे हैं उसको फिर उसकी कोई वर्ड की फाइल बना रहे हैं या पावर पॉइंट के ऊपर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं इट इज़ अ लर्निंग टूल अगर टीचर इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहा है मे uh, बी कि वो एक लेसन देना है और उसके लिए उसको उसका ख्याल है कि देर शुड बी नंबर ऑफ चार्ट्स काफ़ी सारे उसके पास पिक्टोरियल uh, फॉर्म के अंदर चीज़ें आनी चाहिए और वो इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड वो कहता है कि ये बेहतर है कि मैं इसको मल्टी मीडिया यूज़ करूँ और साथ में इन प्रोग्राम्स की हेल्प लूँ तो दे सर्व एज टीचिंग टूल और ग्राफिक रिप्रजेंटेशन के लिए आम तौर पर टीचर्स पावर पॉइंट्स को यूज़ करते हैं और हम ये जानते हैं कि ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स आर वेरी गुड टीचिंग मेथड्स uh, उनको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उससे ह्यूमन मेमोरी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा जा सकती है एज़ कम्पेयर टू द इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स सो वी कैन यूज़ दीज डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स एज टीचिंग टूल एज वेल एज लर्निंग टूल अगर बच्चे उनको यूज़ कर रहे हैं आपने उनको कोई ऐसी टास्क दी है ट्स आर डूइंग ऑन कंप्यूटर दैन इट इज़ दे आर लर्निंग टूल्स और अगर आप उसको यूज कर रहे हैं टू प्रिजेंट सर्टन इंफॉर्मेशन या बच्चों को कोई प्रोसीजर नॉलेज के स्टेप्स देने के लिए यूज़ कर रहे हैं दैन दे आर टीचिंग टूल तो हम बात कर रहे हैं टूल्स की विच आर यूज फॉर टीचिंग एज वेल एज लर्निंग देर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टूल दैट इज वीडियो टूल वीडियोज आर वेरी ऑफन यूज बाई टीचर्स एक्सपीरियंस टीचर्स मोस्टली यूज़ वीडियोज़ क्योंकि उनको अपनी क्लास के ऊपर उनको कंट्रोल भी आ चुका होता है उनको क्लास रूम मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स कम होते हैं सो दे यूज़ वीडियोज़ फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग मोर इज़ीली एज कम्पेयर टू नोवस और न्यू टीचर्स वीडियोज़ किस किन परपज़ के लिए यूज़ हो सकती है और इसमें क्या इंक्लूड किया जा सकता है सो वीडियोज़ मे कंसिस्ट ऑफ टीचर्स लेक्चर्स दे मे कंसिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स टॉक्स एंड इंटरव्यूज़ दे मे इंक्लूड क्लास रूम डिस्कशंस और कार्टून्स मे बी टॉम एंड जेरी कार्टून्स चिल्ड्रेंस फिल्म आर्ट वर्क वीडियोज़ इन सब चीज़ों पे हो सकती है इसके अलावा भी कुछ वीडियोज़ हो सकती हैं जिसमें साइंस एक्सपेरिमेंट्स वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स नजर आ सकते हैं एंड मनी अदर थिंग्स तो आ, इनका पर्पज़ क्या है अगर टीचर ने क्लास के अंदर वीडियो ही दिखानी है तो टीचर की फिर वहाँ पे क्या ज़रूरत है अगर टीचर ने ये दिखाना है कि एक किसी और टीचर का लेक्चर जो है बच्चों को वो दिखाया जा रहा है सो बच्चों के बच्चे वही देख लें टीचर का वहाँ पे पर्पस क्या है टीचर को तो होना ही नहीं चाहिए और अगर टीचर ने बच्चों को टॉम एंड जेरी के कार्टून लगा दिए हैं वट इज़ द पर्पज़ ऑफ द टीचर और इसी तरीके से अगर टीचर ने बच्चों को कोई और फिल्म लगा के दे दी है तो टीचर जो है उसका वहां पर क्या काम है हम कह रहे हैं कि दे आर टीचिंग एड्स दे आर मटीरियल्स विच टीचर्स आर यूजिंग फॉर देयर टीचिंग एंड स्टूडेंट्स लर्निंग कैसे अगर टीचर ने कोई बच्चों को वीडियो दिखाई है कोई फिल्म दिखाई है तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टीचर उसको फिल्म को चंक्स में डिवाइड करें ये नहीं है कि तीन घंटे की एक फिल्म दिखा दी बच्चों को उसको उसने पहले ख़ुद देखना है और उसको देखना है कि उसने किस किस टाइम के ऊपर उसको डिवाइड करना है मे बी आफ्टर टेन मिनट्स या मे बी आफ्टर टू मिनट्स वो देखे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एपिसोड्स हैं जिसके बाद उसने उस फिल्म को पॉज देना है एंड देन टीचर इज़ गोइंग टू आस्क क्वेश्चन में भी टीचर कोई वर्कशीट भी प्लान कर ले विच इज़ इन सीक्वेंस कि बच्चों ने उस फिल्म को देखना है और साथ साथ में उस वर्कशीट को सॉल्व करना है अगर जो टीचर इस तरह से यूज़ कर रही है वीडियो को देन येस वी कैन से द टीचर इज मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ वीडियो टूल लेकिन अगर टीचर जो है उसने उसको जस्ट लगा दिया है और उसको यूज़ नहीं कर रही उसको पॉज़ेस नहीं दे रही सवाल नहीं कर रही तो फिर हम कहेंगे कि दैट इज़ इन इफेक्टिव यूज़ ऑफ वीडियो फिर हम आ जाते हैं टीचर्स टॉक के ऊपर या टीचर्स के लेक्चर्स के ऊपर आ जाए एक टीचर है उसका लेसन है मे बी इट इज़ ऑन प्रोफेशंस इन सोशल स्टडीज़ या किसी और के ऊपर है सिविलाइजेशन एंशंट सिविलाइजेशन के ऊपर लेसन है तो टीचर अपना लेसन देने की बजाय वो देखती है कि इसके ऊपर किसी बहुत मशहूर प्रोफेसर की टॉक है वो उस लेक्चर को बच्चों को जाके दिखा देती है तो उस वक्त में हम क्या कहेंगे कि टीचर क्या ठीक कर रही है या नहीं इसमें दो चीज़ें आएंगी मे भी टीचर का ख्याल है कि मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ जितना कि वो एक प्रोफेसर है सेकेंडली वो पहले उसको खुद देखेगी और उस पे बच्चों को इसलिए भी दिखाएगी कि ये इम्पॉर्टेंट है कि टीच बच्चे जो हैं वो यही ना समझें कि सिर्फ हमारे टीचर जो है यही नॉलेजेबल है मोस्टली बच्चे यही होते हैं कि उनका ख्याल होता है कि सिर्फ टीचर के पास नॉलेज है ना पेरेंट्स के पास है ना किसी और के पास है तो हम बच्चों को एक ये व्यू भी देने के लिए कि देर आर अदर पीपल हु हैव डन लॉट ऑफ वर्क ऑन दीज थिंग्स और उनके पास ये नॉलेज है सो so, टीचर एक बहुत अच्छा मैसेज ये देगी कि आई एम ऑल्सो अ लर्नर आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस पर्सन इसकी वीडियो से मैं भी सीख रही हूँ एक ये मैसेज भी जा सकता है और सेकेंडली ये कि आप बच्चों को आ, उन, आ, उन लोगों से भी मुतारफ़ करा सकते हैं जिनका किसी फील्ड के अंदर जेनुन काम है जेनुन काम से क्या मुराद है मोस्टली वट डू वी टीचर्स डू एज़ वी टीच ये किसी और का काम होता है रिसर्च किसी और की होती है हम उसको प्रेजेंट करते हैं जेनवन काम रिसर्चर्स का होता है तो हम इस तरीके से भी बच्चों को इन नई चीज़ों से भी मुतारफ़ करवा सकते हैं सो टीचर मे यूज वीडियो ऑफ एन एक्सपर्ट ऑल्सो फिर हम और जो चीज़ है वो क्लासरूम डिस्कशंस की वीडियोस बना सकते हैं कि आपने कोई डिस्कशन की है क्लास के अंदर एंड यू थिंक वो डिस्कशन अच्छी है तो आप या आप प्लान कर लेते हैं कि मैंने जो डिस्कशन अच्छी प्लान कर आ, करवानी है इसका टॉपिक अच्छा है आप उसको रिकॉर्ड करवा लें रिकॉर्ड करवाने के बाद आप एज अ सैम्पल वो किसी और क्लास को दिखा सकते हैं कि आप लोगों ने इस तरह की डिस्कशन किसी और टॉपिक के ऊपर करनी है तो बच्चे जो हैं उनको एक मॉडल भी मिल जाता है कि उन्होंने डिस्कशन किस तरीके से करनी है और मे भी टीचर कोई डिस्कशन प्रेजेंट करे और बच्चों को ये कहे कि अच्छा आप इस डिस्कशन के अंदर देखें कि जो uh, लोग डिस्कस कर रहे हैं उन्होंने कितने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं कितने ओपिनियंस प्रेजेंट किए हैं इससे बच्चों को ये भी पता चलेगा कि फैक्ट्स और ओपिनियंस किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं सो यू कैन यूज़ वीडियोस फॉर अ वैरायटी ऑफ परपज लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वेन एवर यू यूज़ वीडियोज डू पेयर योर वीडियोज़ विथ योर क्वेश्चन कि हर एक के साथ आपने क्वेश्चन लगाने हैं अगर आप क्वेश्चन नहीं इंक्लूड करेंगे तो देन वीडियोज़ विल नॉट सर्व द पर्पस। नाव वी टॉक अबाउट ऑडियोज़ ऑडियोज़ हम कब कब यूज़ करते हैं ऑडियो टेप्स कब कब यूज़ की जा सकती हैं ऑडियो टेप्स का बहुत जगह पे इस्तेमाल हो सकता है ख़ास तौर पर उर्दू और अंग्रेज़ी के लेसन्स में उसमें आप जब बच्चों को स्पीकिंग uh, स्किल्स सिखा रहे हैं तो आप उनके जो वो बात कर रहे हैं उसी को रिकॉर्ड कर लें रिकॉर्ड करने के बाद बच्चों को कहें कि अब आप सुने एंड आइडेंटिफाई योर ओन मिस्टेक्स अब बच्चे जब उसको ख़ुद से करते हैं तो उनकी इवेलुएशन स्किल्स भी बढ़ती हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ डेवलपिंग स्टूडेंट्स स्पीकिंग स्किल्स बट एट द सेम टाइम इवेलेशन स्किल्स फिर अगर आप आपका ख़्याल है कि बच्चे जो हैं वो गलतियाँ करते हैं प्रोनंसिएशन के अंदर आप बच्चों को कहें कि आप प्रोनान्सीशन वर्ड्स जो हैं वो प्रोनाउंस करें इंस्टेड ऑफ़ यू टेलिंग दैम कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है आप बच्चों को उनकी खुद से वो सुनवाएं और फिर बताएं उनको कि आप ये कह रहे हैं एक्चुअल प्रोनंसिएशन ये है ताकि बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस को ख़ुद से वैलुएट करना आए सो ऑडियो टेप्स में भी यूज फॉर दैट परपज़ एक और इस्तेमाल है ऑडियो टेप्स का दैट इज़ वेरी कॉमन यूज़ कि टीचर्स जो हैं ख़ास तौर पर आ, आ, अर्ली ग्रेड्स के अंदर प्री स्कूल के अंदर या ग्रेड वन टू तो, थ्री के अंदर यूज़ करते हैं राइम्स की ऑडियोस जहाँ पे बच्चों की पोइम्स हैं राइम्स हैं बच्चे वो, वो सिंगिंग हो रही है एंड स्टूडेंट्स एक्चुअली इंजॉय दैट थिंग वेरी मच सो so राइम्स की वीडियो हो सक uh, ऑडियोज़ हो सकती हैं चिल्ड्रन लिसन टू दोज राइम्स इससे उनकी वोकेबलरी भी बनती है उनको प्रोनंसिएशन भी आती है एंड एट द सेम टाइम दे लर्न अ लैंग्वेज एक फिर वो स्टेज आ सकती है कि बच्चों की आप राइम्स रिकॉर्ड करें रिकॉर्ड करने के बाद आप उनको कोई स्कूल का फेयर प्लान करें उसके अंदर उन बच्चों की राइम्स जो है, वो सुनवाई जाए स्पीकर्स वगैरह लगवा के स्टूडेंट्स एक्चुअली एंजॉय दैट इवेंट तो इसका ऑडियोज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं सो वी हैव सीन दैट हाउ कैन वी यूज़ ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ लेट्स टॉक अबाउट क्लास रूम और स्कूल एज़ अ टीचिंग टूल मे भी आपके लिए हैरान कन बात हो कि अभी तक तो हमने बात की समझ आती है कि सप्लीमेंट्री रीडर्स हैं टेक्स्ट बुक्स हैं ऑडियोज़ हैं वीडियोज़ हैं पता चलता है कि दे आर डिफरेंट टूल्स लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टूल लर्निंग टीचिंग टूल है दैट इज़ स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट स्कूल और क्लासरूम एनवायरनमेंट किस तरीके से टीचिंग टूल हो सकता है मोस्टली हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास वीडियोस नहीं है ऑडियोस की अवेलेबिलिटी नहीं है चार्ट्स के लिए स्कूल के पास फंड्स नहीं है देन वी एज्यूम कि हम टीचिंग नहीं करवा सकते बिकॉज वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर रिसोर्स तो इसके लिए क्या किया जा सकता है इसके जो सबसे आसान हेल है वी आर नाट टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक इक्वमेंट उसकी तो ऑब्वियसली सप्लाई ज़रूरी है अगर आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करवाने हैं लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने बच्चों को सॉर्टिंग का लेसन करवाना है उसके लिए आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बटन्स और जो प्रॉपर बहुत फैंसी टूल किट्स होती हैं उसी में से बच्चों के लिए मटेरियल निकाल कर लाए दरख्तों के पत्ते कैन सर्व दैट परपज़ इसी तरीके से आपने अगर बच्चों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट देना है तो बच्चों की स्टेशनरी कैन सर्व द पर्पस कि बच्चे अपनी स्टेशनरी निकाल लें उसमें यूज है उसके ऊपर लिखा होता है यूजुअली मेड इन जर्मनी कुछ चीज़ें हैं उस पर लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान इवन के शार्पनर्स हैं उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना तो आप बच्चों को इम्पोट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आपने क्लास के अंदर जो एग्जिस्टिंग मटीरियल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे सॉर्ट ऑफ सर्वे हमने किया पाकिस्तान के अंदर उसमें देखा कि जो टीचर्स के बैग्स हैं और जो बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स हैं दे आर वंडरफुल टूल किट्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग उसमें क्या कि बच्चों के पास डिफरेंट शेप्स होती हैं ज्योमेट्री बॉक्स जो उनका होता है दे हैव डिफरेंट शेप्स ट्राइंगल है उसके अंदर प्रोटेक्टर है इन चीज़ों के ऊपर बच्चों से क्रिएट वो लिखवाई जा सकती है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करवाई जा सकती है अंग्रेज़ी में उर्दू में करवाई जा सकती है उनको बच्चों को एक टीचर ने क्या किया कि उन, उसने कहा कि आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जितना भी मटेरियल मौजूद है यूज़ दैट मटेरियल एंड ड्रॉ अ शेप अ ड्रा अ पैटर्न बच्चों ने जब पैटर्न बना लिया तो टीचर ने कहा नाउ डिस्क्राइब दिस पैटर्न इन वर्ड्स अब वो बच्चों की uh, सिर्फ ड्राइंग uh, नहीं हुई है बल्कि बच्चों टीचर ने उसको अपने उर्दू के लेसन के साथ उसको अटैच uh, किया अब बच्चों के जो जो वर्ड्स नहीं आ रहे थे उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर या उनको मतलब नहीं आते थे टीचर प्रोवाइडेड डिक्शनरीज टू द स्टूडेंट्स और उन्होंने उसको डिक्शनरीज में से वर्ड्स को देखा एंड देन दे एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड गुड पीसीज ऑफ राइटिंग तो हम जो कहते हैं कि टीचिंग टूल्स हों बहुत फैंसी चीजें होनी चाहिए एक्चुअली क्लास रूम एंड स्कूल में सर्व एज वेरी गुड टीचिंग टूल सो हमारा जो है सवाल है इस वक्त में वो ये है कि इस परपज़ ऑफ़ एजुकेशन टू मेमोराइज इंफॉर्मेशन वाइल बीग साइलेंट अगर हमारा ख्याल ये है कि हमने बच्चों को इंफॉर्मेशन मेमोराइज़ करवानी है और उनको साइलेंट रखना है तो फिर तो हम क्लासरूम का क्लासरूम और स्कूल को एज टूल यूज़ नहीं करेंगे हम बच्चों को स्कूल uh, के लॉन में नहीं लेकर जाएंगे हम बच्चों को प्लांट का मॉडल ला के दिखा देंगे जो हम चार्ट पेपर से काटेंगे और पूरा का पूरा मॉडल बनाएंगे बजाय इसके कि हम बच्चे को लॉन में ले जाएं जहाँ वे एक्चुअल प्लांट को समझ लें जो मॉडल के ऊपर लीव्स बने हो, होंगे दे विल नॉट बी रियल लीव्स तो हम बच्चों को जब हमारे पास ओरिजिनल चीज़ें मौजूद हैं वाई कांट वी शो स्टूडेंट्स दोज ओरिजिनल थिंग्स हमारा जो होता है मैं होता है कि स्कूल के अंदर हमने क्लास के अंदर डिसिप्लिन रखना है भाई उस डिसिप्लिन का उस साइलेंस का क्या फ़ायदा जबकि वो स्कूल के जो अखराज हैं उस पर बोझ बन रहा हो और सेकेंडली स्टूडेंट्स की लर्निंग ही ना हो रही हो सो वेन यू आर गोइंग टू वर्क एज टीचर्स मेक श्योर दैट इफ़ देर इज़ अ बायोलॉजी लेसन इफ़ देर इज़ अ लेसन ऑन प्लांट्स आपके स्कूल में लॉन है वहाँ पर ले जाए अगर स्कूल में लॉन नहीं है तो स्कूल की विसिनिटी में कोई छोटा सा लॉन होगा आप बच्चों को वहाँ पर ले जाए सो वी नीड टू इंश्योर कि हम बच्चों की लर्निंग को प्रमोट करें ना कि हम स्कूल के अंदर साइलेंस को प्रमोट करें पर्पस तो लर्निंग है साइलेंस तो नहीं है ना स्कूल का मकसद तो अगर लर्निंग पर्पस है तो हम वी नीड टू यूज दीज टूल्स इंटेलिजेंटली